अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो फाइनली मैंने मोमोज बना लिए जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगते थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मैदा और आटा, और ये क्वांटिटी मैंने लिख दी है कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें ली हैं और कैसे ली हैं। और लिटरली मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं मोमोज बनाऊंगी, बट इसमें इतने काम होते हैं ना कि उसका फिर दिल नहीं चाहता है कि कैसे उतने सारे काम एक दिन में करो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत टफ है। ये वायरल मोमोज तो बहुत ही पहले के हैं, लाइक 2019 में ये वायरल हुए थे। बट जिन शेफ को मैं फॉलो करती हूँ, जिनकी मतलब बनाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, तो वो बोल रहे थे वो थोड़ा लेट है। तो मैंने सोचा कि मैं उनका साथ देती हूँ, शायद वो वायरल करना चाहते हैं मोमोज को, तो मैं भी उनका साथ देती हूँ और उनके साथ अपनी वीडियो को भी वायरल करती हूँ। तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आई डोंट नो कि कोई स्ट्राइक आ जाए या क्या हो जाए, मुझे नहीं पता। तो बस ये देखिए, आटे को अच्छे से गूंद लें, और रियली बहुत मज़े की रेसिपी है। लाइक बिल्कुल कुरकुरे और फ्राइड मोमोज है ना, और जो इनकी फिलिंग है हमने उसका कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल काटना है और चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद इसकी जो रोटियां बनानी है, आप जो भी कह सकते हैं, इसको अच्छे से बेल लेना है। ये देखिए मैंने 10 मिनट्स के लिए रख दिया था आटे को लाइक गूंदने के बाद। और ये सब्जियां हैं, सब्जियों में मैंने ना सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉन जो होता है वो भी, प्रॉन प्रॉन जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू। जैसी फिलिंग आप बनाना चाहें, इट्स लिटरली अप टू यू। और आप मज़े करें यार, ज़रूर बनाएं। अगर आप 2019 वाला फॉलो नहीं कर पाए हैं, 2020-22 वाला तो ज़रूर ही फॉलो करें, वायरल वीडियो। तो रियली मतलब मैं भी ना सोच रही थी कि कुछ ऐसा ट्रिक मिलेगी इजीली बन जाए, तो मैंने जब बनाया ना इस ट्रिक के थ्रू, तो लिटरली बहुत मज़े का बना और बहुत अच्छा बना। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ चीज़ें ऐड कर दी, थोड़ी देर रख दूंगी कि ये पानी छोड़ दे, फिर इसका पानी मैं अच्छे से निचोड़ दूंगी, और इसमें फिर जो है मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दे रही हूँ। अभी मैंने सारा ही एक साथ ही ऐड कर दिया, जिससे कि पूरा एक साथ ही पानी छोड़ दे, फिर उसकी चीज़ों को मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँ, या फिर उसका सॉस भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उसका सॉस नहीं बनाया, मैंने उसको डिस्कार्ड ही कर दिया। तो ये देखिए मैं अच्छे से चीज़ें ऐड कर दे रही हूँ। इसको लाइक 15 to 20 मिनट्स के लिए रख दें, इसका अच्छे से पानी छूट जाने दें। फिर उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर ले, या हाथ से आप जैसा करना चाहें बिल्कुल वैसा कर ले। और ये देखिए मैंने आटा रख दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले बेल लेती हूँ, और जब तक वो भी हो जाएगा थोड़ी देर, तो फिर मज़ा आएगा ना यार, बहुत मज़ा आने वाला है। मोमोज मतलब लिटरली मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है, और बनाया हुआ अपना घर का। तो ये देखिए मैंने रोटी की जैसा शेप किया, उसको ट्राइंगल में कट कर दिया, और अब मैं इसको ऐसे फिलिंग करके बंद कर दे रही हूँ, उसको मैं कैची से काट दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कितना मजे का बन रहा है यार। मतलब मैं खुद हैरान थी कि ये ट्रिक मुझे क्यों नहीं पता थी कि मैं ऐसे रोटी बना के बेल सकती हूँ, उसमें फिलिंग करके बिल्कुल मोमोज वाला शेप दे सकती हूँ। मतलब जो हम लोग, मतलब मुझ जैसा कोई अगर लेजी है ना और मोमोज खाने का दिल चाह रहा है, वो भी अपने हाथों पर, तो जरूर बनाए ये वाला यार। रियली मतलब बहुत मजा आने वाला है। और ये देखिए इसी तरह से रोटी बना लें, उसको कट कर लें और सारी फिलिंग एक साथ बना लें। तो मैंने लाइक 16 to 17 ही बनाए थे, बाकी मैंने और नहीं बनाया। और ये देखिए मैदा है, मैदा लेना है आपको, और अगर आपके पास पोहा है तो पोहा ले लें, कॉर्नफ्लेक्स है तो कॉर्नफ्लेक्स ले लें, और उसमें अगर आप लाइक चिली और सॉस, मतलब जो भी ऐड करना चाहे इसमें आप ऐड कर दें, क्योंकि मुझे बच्चों के मतलब ऐसे देना है, उनको खिलाना है, तो मैं इसमें मिर्ची वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लाइक छोटे हैं तो वो नहीं खाएंगे इतना ज़्यादा चिली वाला। लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं ना, तो रियली बिल्कुल चिली विली डाल के इसमें सारा एक अच्छा सा रेडी कर लें बैटर, और इसी बैटर में आपको मोमोज डिप करने हैं। तो आपको पता चला ना कि कितने क्रिस्पी मोमोज बनेंगे जब हम इस बैटर में डिप करेंगे। और अगर आपके पास नमकीन है, अगर आप नमकीन डालना चाहते हैं, या बूंदी को भी क्रश करके आप डाल सकते हैं, मतलब जो भी आप डालना चाहें इस बैटर में वो डाल सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो है मैं थोड़ा सा केचप भी डाल दे रही हूँ, कि मतलब पूरा फुल ऑन मस्ती वाला, मज़े वाला होना चाहिए। बारिश हो रही हो जिस दिन, तो उस दिन ज़रूर बनाइएगा। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही थी इसलिए मैंने बनाया, और लिटरली बहुत अच्छा वेदर हो रहा था इसलिए मैंने इसको बनाया। इसको देखिए डिप करके रखते जाएँ, 5 to 7 मिनट के लिए डिप करके रख लें, और जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना, तो 5 to 6 मिनट लग ही जाते हैं, और जब तक तेल भी आपका रेडी होगा। और बस इसको अच्छे से फ्राई कर लें, डीप फ्राई, और इसके आप जो है मेयोनीज के साथ सर्व करें।
या फिर जो है मायनीज में सॉस थोड़ा सा ऐड कर ले और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर ले, तो फिर जो मायनीज का टेस्ट आएगा ना आपको कि मज़ा ही आ जाने वाला है। आपको लगेगा अरे यार ये मैंने बनाया है, तो होप आप लोग इस बार ज़रूर बनाएंगे और मेरा और मेरे शेफ का साथ देंगे। तो होप आप लोग को वीडियो ये पसंद भी आई होगी, क्योंकि अगर आप मेरी तरह से लेजी है ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला मोमोज, और बहुत ही जल्दी बन गए थे। मतलब मैं आप लोग को क्या बताऊँ कि कितनी जल्दी ये बन गए थे। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये मोमोज कैसे लगे। बनाना तो बनता ही है ना, ये दिख रहे कितने अच्छे दिख रहे हैं और फ्राई होके जब निकले हैं तो रियली बहुत क्रिस्पी है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी फिलिंग देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम फ्राइड वगैरह करते हैं, वैसी है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।